हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2022 की अगर हम बात करें तो पिछले 7 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपने वो वीडियो देखी होगी। जो भी अपडेट सामने आ रही थी मैंने आपको बता दी थी। अभी कल एक PDF वायरल हो रही है जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 11,000 से अधिक पदों पर सूचना सहायक की विज्ञप्ति जारी होगी। क्या इसमें कितनी सत्यता है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो जो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सूचना सहायक भर्ती की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2022 के अंदर इसको मंजूरी मिल चुकी है मुख्यमंत्री से और वित्त विभाग से। अभी तक इसकी जो अभ्यर्थना है वो डिपार्टमेंट यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में नहीं पहुंची है, इसीलिए अभी तक इसकी जो विज्ञप्ति है वो जारी नहीं हुई है। सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति को लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। उपेन्द्र यादव जो बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं वो भी मांग कर रहे हैं। लगातार ट्वीट सामने आ रहे हैं, अपडेट सामने आ रही है कि इस भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो जल्द जारी हो, क्योंकि काफी समय पहले, लगभग 5 महीने पहले इस भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है तो अभी तक इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आउट हुआ है, ये भर्ती के फॉर्म अभी तक क्यों स्टार्ट नहीं हुए। तो इसकी मांग तेज हो रही है, लगातार अपडेट सामने आ रही है। पिछले 7 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या अपडेट आ रही है, कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट को मंजूरी मिल चुकी है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा वापस से, वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई थी IA की पोस्ट के लिए, सूचना सहायक की पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल जो पोस्ट है 2734 है। वहीं अगर हम बात करें प्रोग्रामर की तो 141 पद है। तो यहां पर जो अपडेट आई थी वो यही थी कि इतने पद को मंजूरी मिली है। और कल एक PDF वायरल हो रही है, उस PDF में जो बात बताई जा रही है कि 11,283 पद खाली हैं पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत लेवल पर, जिसमें IT प्रोग्रामर, IT सूचना सहायक के पद खाली हैं। तो यहाँ पर 11,283 पद, इतनी पोस्ट खाली हैं। अगर इतनी पदों पर आप भर्ती लेते हैं तो यहाँ पर कार्य होगा, ऐसे बोला जा रहा है। तो कल ये जो PDF वायरल हुई है जिसमें बहुत सारी वीडियोज बनी है, आपने देखा होगा, तो वो PDF तो रियल है, किसी डिपार्टमेंट कि वो PDF है, और वो जो PDF है वो ग्राम पंचायत स्तर की PDF है, जिसमें बताया गया है कि इतने पद खाली हैं। तो पद कितने खाली हैं, 11,283, और यहां पर वित्त विभाग की मंजूरी कितने को मिली है, 2734 पद। तो मंजूरी तो इतने से पद को मिली है जबकि खाली है 11,283। तो अब वापस से जो है रिमाइंडर आ रहा है कि 11,283 पद खाली है, तो क्या इतने पद पर ही भर्ती होगी। और पूरे नोटिस अगर आप पढ़ेंगे, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों है। आप सभी को पता है ग्राम पंचायत स्तर पर जितने भी प्रोग्राम होते हैं या जो भी कार्य होते हैं उन सभी में IT की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप ई-मित्र की बात करें या वाईफाई की बात करें, जो भी समस्याएं होती हैं ग्रामीण स्तर पर उनमें यहाँ पर जो है IT क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। सोलर पैनल की बात हो, हर क्षेत्र में यहाँ पर IT की आवश्यकता पड़ती है। तो टोटल पोस्ट जो रिक्त हैं वो 11,283 हैं, इतने पद हैं सूचना सहायक के। तो अगर ऐसा होता है 11,283 पद पर सूचना सहायक की भर्ती निकलती है तो ये सबसे बड़ी भर्ती होगी राजस्थान की IT क्षेत्र के अंदर। मतलब अगर हम बात करें कंप्यूटर अन्वेषक जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके अंदर जो है लगभग 10,000 पोस्ट थी जिसमें आपका वरिष्ठ और कनिष्ठ यहाँ पर जो है अनुदेशक था, इसके अंदर क्या है अब सूचना सहायक की भी 11,283 पद सर्जित किए गए हैं। तो अगर ये भर्ती ली जाती है तो आप सभी के लिए गोल्डन चांस है। जो भी IT क्षेत्र में जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या आप BCA हैं, MCA हैं, BTEC इन IT हैं, CS हैं, इसके अलावा आपने BSc इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है, PGDCA कर रखा है, साथ में ग्रेजुएशन कर रखा है, तो जो भी यहाँ पर आपके कंप्यूटर अन्वेषक, जो बेसिक कंप्यूटर अन्वेषक है उसकी जो एलिजिबिलिटी थी सेम वही एलिजिबिलिटी इसमें रहती है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, अगर ये पद आते हैं तो ये जितने भी राजस्थान के युवा बेरोजगार दोस्त हैं, जितने भी भाई बहन हैं जो IT क्षेत्र में काम कर रहे हैं या वो इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती कब आए, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब ये तो कन्फर्म है कि सूचना सहायक की भर्ती आएगी, मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब असमंजस की स्थिति हो चुकी है, आएगी कितने पद पर। एक तरफ पंचायत का नोटिस आता है ग्राम पंचायत स्तर का कि हमारे यहां पर इतनी पोस्ट खाली है, एक तरफ आपने 5 महीने पहले इतने पद पर मंजूरी दी थी कि हम ओनली इतनी पोस्ट लेंगे, इतने पद यहां पर खाली है। तो मंजूरी इतने पोस्ट को मिली है और भर्ती इतनी पोस्ट की बता रहे हैं, तो क्या होगा, कितने पद पर यहां पर वैकेंसी आने वाली है, यह तो तभी पता लगेगा जब क्लियर नोटिफिकेशन आएगा, जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा। तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन एक अच्छी खबर है कि भाई अगर अधिक पद आते हैं, बढ़कर आते हैं, तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने ज्यादा पद होंगे उतनी ज्यादा यहां पर आप सभी के लिए लाभदायक होंगी सारी चीजें, तो बहुत अच्छा होने वाला है।
तो जो पीडीएफ यहाँ पर वायरल हो रही है, जो आपने देख ली होगी, उसमें क्या क्या पॉइंट लिखे गए हैं, आवश्यकता क्यों है, इतनी सूचना सहायक के पद इतने सर्जित क्यों किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आईटी कार्मिक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित कार्यरत ई मित्र प्लस जो मशीनें हैं, राजनेट है, इसके अलावा राजनेट उपकरण है, इसके अलावा आईपी है, आईपी फोन है, वाईफाई एक्सेस पॉइंट है, बीएसएनएल ओएनटी है, सोलर पैनल है, बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, इन सभी की जानकारी के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर आईटी की आवश्यकता पड़ती है, आईए पद की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, जन आधार वेरिफिकेशन की बात हो, चाहे आधार कार्ड की बात हो, इसके अलावा पीएम किसान योजना के अंतर्गत की बात हो, या ग्राम पंचायत स्तर पर जो ई मित्र हैं उसके माध्यम की बात हो, सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ई मित्र प्लस मशीन की बात हो, और राजस्थान संपर्क माध्यम से संबंधित जो समस्या है उसके समाधान की बात हो, BBNL जो ONT है उसमें LED अलार्म की बात हो, सोलर पैनल की बात हो, डिस्कॉम है, केबल है, ये सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर IT की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर सूचना सहायक के जो पद हैं वो होने चाहिए, इतने पदों पर ही भर्ती आनी चाहिए, ये नोटिस यहाँ पर आया है। तो अगर इतने पदों पर ही भर्ती आती है तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा संकेत है, आप लोग अभी से प्रिपरेशन करते रहें। जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई है वो भी अभी सोच सकते हैं, अगर आपका एनरोलमेंट हो जाए कहीं से, जैसे PGDCA आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपका PGDCA चल रहा है, तो आप लोग भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बाकी जिन्होंने BCA कर रखा है, MCA कर रखा है, BTEC इन CS कर रखा है, IT कर रखा है, वो सभी विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होंगे। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, कंप्यूटर पे काम होता है, पे ग्रेड भी LDC से ज़्यादा होता है, LDC का 2400 पे ग्रेड है, इसका 2800 पे ग्रेड के समथिंग रहता है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। सिलेबस एग्जाम पैटर्न के ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे, तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।